नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज 24। आइए हम जानते हैं कि आज हमारे देश में तेजी से कोरोना वायरस अपना पैर पसार रहा है। उसी विषय पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर बैजनाथ सिंह बटोही। आइए जानते हैं कोरोना वायरस पर इनका विचार क्या कहते हैं डॉक्टर बैजनाथ सिंह बटोही जी। सारी दुनिया कोरोना के प्रकोप से ग्रस्त है, अपना देश भी अछूता नहीं है। फिर भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने समय से जो निर्णय लिया उससे अपना देश लगभग उस महामारी से जंग में विजयी हुआ है। इस संदर्भ में जबकि कोरोना की दवा या टीका उपलब्ध नहीं है, ऐसी परिस्थिति में आयुष विभाग ने निर्देशित किया है कि कोविड-19 की चिकित्सा होम्योपैथिक पद्धति से भी की जा सकती है। हम देखते हैं कि देश में कुछ लोग प्राण त्याग देते हैं इस बीमारी से, लेकिन उसके 4 गुना 6 गुना 8 गुना लोग निरोग भी हो रहे हैं। जब दवा का निर्माण नहीं हुआ है तो निरोग कैसे हो रहे हैं? ये सारे हमारे चिकित्सक बंधु लक्षणों के आधार पर ही दवा का प्रयोग करते हैं और उसमें जिसका आत्मबल और वाइटल फोर्स मजबूत है वे लोग बच भी जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम आपके सामने पेश करेंगे कुछ होम्योपैथिक दवाओं का लक्षण, जिसे आप अगल बगल के शहर से इसको लेके अपने घर में रख के इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। क्योंकि लाक्षणिक चिकित्सा होम्योपैथी लाक्षणिक चिकित्सा ही है, इसलिए लक्षणों को आधार बना के ही हम किसी भी बीमारी को दूर कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। होम्योपैथी रोग की नहीं, रोगी की चिकित्सा करती है। लक्षण समूह को अपने नजदीक सामने रख के उसकी दवा देती है। लक्षणों का विनाश होता है, अलक्षणों के साथ रोग का भी विनाश होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना में सर्दी, खांसी और बुखार, सीने में दर्द, ये सब प्रथम लक्षण है। अगर इन लक्षणों को देखा जाए, समझा जाए और घर में ही इन दवाओं का प्रयोग आप अपने सदस्यों पर अगल बगल इर्द गिर्द भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हानि नहीं पहुंचाने वाली दवाई है और न इसका कोई साइड इफेक्ट है। बच्चे, बूढ़े और घर के नौजवान सारे लोग इन दवाओं का लक्षण के आधार पर प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आप खुद अपने घर और अपने इर्द गिर्द के लिए डॉक्टर बन सकते हैं इन दवाओं के प्रयोग से। तो देखिए, एकोनाइट नैपिक दवा है, जो अचानक कोई बीमारी हो जाए और उसमें भयानक मृत्यु भय हो, थोड़ा थोड़ा और बहुत भयानक बेचैनी हो, मृत्यु भय हो, बताता हो कि अब हम बचेंगे नहीं रे बाप, फलाना को बुलाओ, चिलाना को बुलाओ, इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में आप एकोनाइट नैप का प्रयोग अगर करते हैं तो उसका भय और उसकी बीमारी भी समाप्त हो जा सकती है, चाहे बुखार हो चाहे कोई बीमारी हो। क्योंकि रोग नहीं, रोगी की चिकित्सा हम करते हैं और रोगी को स्वस्थ करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। एक बात, एकोनाइट नैप अगर किसी को भूत पकड़ लिया हो और भूत से भयभीत हो गया हो, वैसी परिस्थिति में एकोनाइट का प्रयोग किया जाए तो उसका भूत भी भाग जाएगा। दूसरी दवा है
ब्लाइनिया एल्ब। तो ब्लाइनिया एल्ब में भयानक सुस्ती, बिल्कुल हिल डोल नहीं सकता है वो, भयानक सुस्ती और भयानक प्यास, लोटा का लोटा वो पानी पिएगा, सूखी खांसी, उसके भीतर सब कुछ सूखा हुआ रहेगा मुंह से लेके मल द्वार तक, और सीने में चुभन की तरह दर्द होगा जो दर्द दबाने से आराम होगा। ऐसी परिस्थिति में ब्लाइनिया एल्ब का प्रयोग हम करते हैं दो घंटा पर, तो वह रोगी चंद दिनों में ही स्वस्थ हो जाएगा। तीसरी दवा है रस्टक्स, रस्टक्स 30 पावर की ही दवा, जो पानी में भींगने से या ठंड लगने से वह रोगी बीमार हो गया, उसके बदन में बहुत भयानक दर्द है, बहुत बेचैनी है, उसे भी लगता है कि बाप रे हम मर जाएंगे, क्यों दर्द से, मानसिक पीड़ा से नहीं, दर्द से इतना परेशान हो जाएगा कि उसे लगेगा कि हमारा प्राणांत हो जाएगा। वैसी परिस्थिति में आप रस्टक्स का प्रयोग दो घंटा पर कीजिए, 24 घंटा के अंदर उसकी सारी ये लक्षण विलुप्त हो जाएंगे। तीसरी दवा है जलसेमियम, तो जलसेमियम में भयानक सुस्ती, न हिल सकता है न डोल सकता है, लेकिन प्यास बिल्कुल ही नहीं, प्यास बिल्कुल ही नहीं लगेगी, चलने पर डगमगाएगा, हिलना डुलना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, भयानक कमजोरी भी उसके साथ हो, चाहे बुखार हो चाहे कोई बीमारी हो, आप जलसेमियम का प्रयोग 2-2 घंटा पर कीजिए और वह बीमारी और वह रोगी दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। इपिकॉक 30, भयानक मितली, अनवरत मितली, ऐसा लगेगा कि सब कुछ बाहर फिट निकल जाएगा, खांसी और हाफ भी, पलई चलना जिसको कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो, किसी भी कारण से अगर इपिकॉक का प्रयोग आप करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका बमन भी कम होगा, कफ जो अटका हुआ फेफड़े में है वो सब बाहर निकल जाएगा, आरोगी निरोग हो जाएगा। ये सब 24 घंटा के अंदर ही होने वाला है। आर्सेनिक एल्ब, आर्सेनिक एल्ब जैसा कि प्रतिरोधक के रूप में आर्सेनिक एल्ब का प्रयोग पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में जो जानते हैं होम्योपैथी को वे लोग कर रहे हैं, क्या कि प्रिवेंटिंग मेडिसिन कुछ है नहीं किसी पैथ में, अभी खोज चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप आर्सेनिक एल्ब का प्रयोग करके इस बीमारी को, इस वायरस को अपने से दूर रख सकते हैं। विषस्य विषम औषधम, बीस ही बीस का औषध है, अभी जो थेरेपी चल रहा है जो संक्रमित है इस बीमारी से और निरोग हो गया है, उसका प्लाज्मा लेके और उसके माध्यम से जिसको प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा है वह रोगी निरोग हो रहा है, विशेष विषम औषधम यही सूत्र कहता है। ठीक, ये होम्योपैथिक का ही एक रूप है, इसमें सफलता मिल रही, आशा की किरण जैसा कि दिल्ली में प्रयोग करके देखा जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आर्सेनिक का प्रयोग, आर्सेनिक एल्ब का प्रयोग 30 पावर का 1-2-3 दिन तक खाइए, 1 महीने के बाद पुनः 3 दिनों तक, बच्चों को 1 या 2 गोली। तो इस आप आर्सेनिक के प्रयोग से इसको रोक भी सकते हैं, और अगर कोई बीमार थोड़ा थोड़ा पानी पिए, एकदम शक्तिहीन हो गया, अब उसमें कोई शक्ति नहीं रहा, कोई ताकत नहीं रही, और ऐसी परिस्थिति में लगता है कि अब वह रोगी मर ही जाएगा, तो वैसी परिस्थिति में आर्सेनिक एल्ब 30 का प्रयोग आप अगर करते हैं 5-5 मिनट पर, तब तक जब तक कि दवा की क्रिया शुरू न हो जाए, जब ही दवा की क्रिया शुरू हो जाए तब ही इस दवा को आप बंद कर दें।
तो आर्सेनिक एल्ब के माध्यम से मरते हुए लोगों को भी बचाया जा सकता है। एक और दवा है कार्बोवेज, तो कार्बोवेज जो है वो भी किसी भी बीमारी के बाद लगे कि रोगी मर ही जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में कार्बोवेज का प्रयोग अगर किया जाए तो मृत्यु के मुख से उस पेशेंट को निकाला जा सकता है। लेकिन कार्बोवेज पेशेंट जो है, रोगी जो है, वो हवा चाहेगा, आर्सेनिक का जो रोगी है वो ओढ़ना में घुसा रहेगा, उसको ठंड बहुत लगेगी और कार्बोवेज में गर्मी बहुत लगेगी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि आज जबकि कोई व्यवस्था हमारे सामने है नहीं, फिर भी हमारे एलोपैथिक चिकित्सक बंधुओं ने बहुत से रोगियों को ठीक किया है केवल लक्षण के आधार पर। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप भी उक्त दवाओं को अपने पास रखें। इसके साथ अगल बगल जो भी होम्योपैथिक चिकित्सक हों उनसे आप संपर्क करें, आयुर्वेदिक चिकित्सकों से संपर्क करें, यूनानी चिकित्सकों से भी संपर्क करें और आप देखें कि आप इसमें कैसे लड़ रहे हैं और कैसे सफल हो रहे हैं। तो मित्रों, मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इन दवाओं का आप अपने घर में संग्रह करके और अपने परिवार और लोगों को दें। इसका अंजाम जो होगा वे आश्चर्यजनक होगा और आपको इन व्याधियों से मुक्त करेगा। क्योंकि हर कोई अपने अपने घर में बंद है, इसलिए होम्योपैथिक दवाएं हर जगह उपलब्ध हैं। तो यही मेरा आपसे निहोरा और निवेदन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस विषम परिस्थिति में इस देश के लिए, इस समाज के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करें जिसे कम से कम आपके तन और मन को स्वस्थ रखा जा सके। जय भारत, जय हिंद। सर, ये आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि ये सब दवाओं से साइड इफेक्ट हो सकती है कि नहीं? होम्योपैथिक में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसका प्रभाव जो है सीधे आत्मा पर या मन पर या वाइटल फोर्स जिसे जीवनी शक्ति कहते हैं उस पर इसका प्रभाव होता है और सूक्ष्म रूप में होता है, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि कोई भी दवा उपलब्ध है जो अपने से इलाज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट? देखिए, कुछ दवाएं हैं जिसका बार बार प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो डीप एक्शन मेडिसिन है, जो गहरी दवाएं हैं उनका बार बार प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कम पावर में और नई बीमारियों में आप दवा बार बार दोहरा सकते हैं, लेकिन ज्यों ही रोगी निरोगता की तरफ बढ़े दवा बंद कर देनी चाहिए। सर, इस लॉकडाउन में लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मेरा निवेदन यही होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्हें बहुत ही समय से लॉकडाउन का निर्णय लिया और बार बार हमारे बीच आकर आप हमें निर्देशित कर रहे हैं कि हम किस तरह से जिए, दो गज की दूरी बनाकर रहने की बात कर रहे हैं, अपने घर में बंद होने की बात कर रहे हैं, और यही कारण है कि हम अमेरिका, इटली, ईरान, स्पेन जैसे विकसित राष्ट्रों से जो हजारों हजार लोग काल के गाल में समा गए, अपने देश में हम बचे हुए हैं। तो हमें उनकी बातों को, अभिभावक भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, उनकी बातों को हम समझें, अपने हृदय में बैठाएं और विचार करें कि वे किसके लिए कह रहे हैं। वे आपके लिए कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं, समाज के लिए कह रहे हैं, देश के लिए कह रहे हैं, इसलिए हम अनुशासन का अनुपालन करें, ये मेरा कर्तव्य बनता है। सर, आपसे चाहेंगे कि पुनः दर्शकों के बीच अपना परिचय दे दें।
मैं डॉक्टर बैजनाथ सिंह बटोही किलोथू रोहतास का रहने वाला हूँ। मैं बिहार यूनिवर्सिटी से DHMS की डिग्री प्राप्त किया और विगत 50 वर्षों से मैं अपना इस क्षेत्र में सेवा दे रहा हूँ। थैंक यू सर।